प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन समेत कई भारतीय क्रिकेटर्स को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिला है। वहीं क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर दो टूक कहा कि कोई जाए या ना जाए, वो तो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। दरअसल हरभजन सिंह का ये बयान कई राजनीतिक दलों द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद आया है। हरभजन ने साफ कर दिया, वो जो कुछ है भगवान के आशीर्वाद के कारण ही है। हरभजन ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय ये मंदिर बन रहा है, इसलिए हम सभी को जाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई भी जाए या ना जाए, क्योंकि मेरी भगवान में आस्था है, मैं जरूर जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जाती है और कौन सी नहीं, मैं जाऊंगा। बता रहे कि हरभजन सिंह ने इस दौरान दूसरी पार्टियों पर भी तंज कसा और कहा कि अगर कांग्रेस को जाना है तो जाए, अगर किसी को मेरे राम मंदिर जाने से कोई दिक्कत है तो वे जो चाहे करे, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। कोई मेरी जिंदगी में वो चीजें हो रही है वो भगवान की कृपा है, मैं तो आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में सियासत भी जारी है। दरअसल कांग्रेस और आप सहित विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक फैसला लिया था और सुंदरकांड करवाने का फैसला किया था। दिल्ली और गुजरात के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हरियाणा में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया। बस कुछ ही दिन की बात है जब आपकी तरह मेरी भी होगी रामलला सभा, वो भी साक्षात। जी हाँ, हम सब भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। सभी राम भक्तों को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। 22 जनवरी को हमारे सबके राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आपकी तरह मैं भी 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक ऐतिहासिक दिन है, पूरे विश्व का सपना पूरा होने जा रहा है, पूरे भारतवासियों में जो है वो खुशी की लहर है। सबसे पहली बधाई मैं प्रधानमंत्री साहब को देना चाहता हूँ और फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनने जा रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और राम भूमि में राम मंदिर के दर्शन करके अपने आप को निहाल करेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत प्यार, और भगवान राम हम सब पे कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत साधन।